Hello students, today we are going to start exercise 4.1 and we will do question number 2, first and second part, class 10 max, chapter number 4, quadratic equation. So, what is the question? Represent the following situations in the form of quadratic equation. Situations jo hume de hume quadratic equations may convert karna The first one. एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज फाइव ट्वेंटी एट मीटर स्क्वायर रेक्टेंगुलर प्लॉट का हमें एरिया गिवन है फाइव ट्वेंटी एट द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज वन मोर देन टाइस द ब्रेथ लेंथ जो है वो ब्रेथ से वन मोर देन और ब्रेथ से ट्वाइस है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द्लॉट सो लेट्स फाइंड आउट सो एज यू मिट लेट द लेंथ लेट द लेंथ लेट द ब्रेड वी स्टार्ट विथ शॉर्ट स्मॉलर वन दो ब्रेड इज स्मर लेट द ब्रेड बी एक्स देन वट इज गिवन टू अस हमें एक लेंथ के बारे में क्या दे रखा है वन मोर देन टाइस द ब्रेड ब्रेड का ट्वाइस और वन मोर लेंथ कितनी हो गई ब्रेथ का ट्वाइस तो एक्स है तो टू एक्स हो गया प्लस वन वन ज्यादा है नाउ एरिया वी नो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट हम एरिया के बारे में जानते हैं व्हाट इज एरिया एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज गिवन टू अस व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन टू अस एरिया हमें दे रखा है फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट मीटर स्क्वायर ंड्रेड एंड ट्वेंटी एट सो लेंथ कितनी है हमारी टू एक्स प्लस वन है वैल्यू और ब्रेड कितनी हमारे पास एक्स इक्वल्स टू फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट ना इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट रिजल्ट विल गेट एक्स इंटू टू एक्स टू एक्स स्क्वायर एक्स इंटू वन एक्स और ये फाइव ट्वेंटी एट को हम इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल्स क्या हो गया जीरो नाउ सी दिस इज द इक्वेशन हमें रिप्रेजेंट करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और हमने रिप्रेजेंट कर दिया व्हाट इज क्वेश्चन रिप्रेजेंट द सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन

सो वी नीड टू नंबर मिडिल टर्म स्पीड से करना है तो हमें दो नंबर चाहिए वन है कुछ नहीं होता तो कितना होता क्वेश्चन वन हमें दो नंबर चाहिए कि प्लस करने पे चाहिए वन और मल्टीप्लाई करने पे चाहिए सी प्लस करने पे चाहिए हमें वन और हमें दो नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करने पे चाहिए टू इन टू माइनस फाइव ट्वेंटी एट क्या होता है फमला प्लस करने पर बी

और मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए रहता है ए इंटू सी तो ए कितना है टू और सी कितना है माइनस फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी एट तो वन जीरो अब इन दोनों को मिल्ट स्प्लिट करते हैं इसके फैक्टर्स निकालते हैं वन जीरो फाइव सिक्स के और करते हैं तो सी फैक्टर्स निकाल लेते हैं यहां तो फैक्टर्स so आ गए हमारे पास अगर हम इसके फैक्टर्स लेंगे वन जीरो फाइव सिक्स के हम फैक्टर्स ले लेते हैं रफ में टू फाइव जा टू टू झा टू एट जा टू टू झा फोर टू सिक्स टू फोर झा दे टू थर्टी थ्री थ्री इलेवन एंड इलेवन वन हमने इसके फैक्टर्स ले लिए अब फैक्टर्स निकालते हैं तो क्या क्या आ रहा देखिए अब ऐसा बनाना है कि प्लस करने पे चाहिए वन और मल्टीप्लाई करने पे चाहिए वन जीरो फाइव सिक्स अच्छा मल्टीप्लाई करने पे हमेशा आएगा सिर्फ आपको प्लस वाली कंडीशन चेक करनी है तो टू टू जो फोर टू जो एट एक्सटी एट थर्टी टू और इलेवन थ्री जै थर्टी थ्री तो हम ले लेते हैं थर्टी टू एंड थर्टी थ्री तो हमारे पास रिजल्ट आ गया है पी हो गया थर्टी थ्री और क्यू हो गया हमारा माइनस थर्टी टू ये हमारे दो फैक्टर्स निकल के आ गए हैं इसके तो हम क्या लिखते टू एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी थ्री एक्स माइनस थर्टी टू एक्स माइनस फाइव ट्वेंटी एट इक्वल टू जीरो अब पेयर बना लीजिए दो दो के पेयर बना लीजिए क्या कॉमन है एक्स तो क्या बचेगा अंदर टू एक्स प्लस थर्टी थ्री यहां कितना कॉमन ले लेते हैं अपन सिक्सटीन कॉमन आ रहा है तो सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा टू एक्स प्लस थर्टी थ्री तो क्या आया टू एक्स प्लस थर्टी थ्री वापस से कॉमन आ गया और जब टू एक्स प्लस थर्टी थ्री वापस कॉमन आ गया तो अंदर कितना x माइनस सिक्सटीन और इक्वल टू जीरो सब हर बार चलेगा क्योंकि इक्वेशन है तो नाउ यू नो प्रोडक्ट टू नंबर जीरो अगर प्रोडक्ट दो नंबर्स का जीरो है तो उनमें से कोई भी एक जीरो होगा यानी टू एक्स प्लस थर्टी थ्री इक्वल टू जीरो या एक्स तो माइनस x की वैल्यू कितनी आएगी और तो कि ब्रेथ कभी नेगेटिव नहीं होती तो इसको रिजेक्ट करेंगे तो एक्स कितना मीन हमारी ब्रेड निकल के आ गई सिक्सटीन देर फोर तो ब्रेथ हमारी आ गई सिक्सटीन और लेंथ कितनी है और लेंथ कितनी है देखो लेंथ है टू एक्स प्लस वन एंड लेंथ इक्वल टू टू इंटू सिक्सटीन प्लस थर्टी टू थर्टी टू प्लस वन थर्टी थ्री मीटर ये हमारी क्या आ गई लेंथ भी आ गई सो आई होप यू अंडरस्ट चिल्ड्रन दैट हाउ यू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाउ विल डू द अनदर क्वेश्चन सेकेंड पार्ट सेकेंड क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज थ्री जीरो सिक्स वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स सबसे पहले हमें रिप्रेजेंट करना है क्वारन में फिर हम सोल्व करेंगे तो दो कंजिव पॉजिटिव इंटीजर कंजिव मीनस वन आफ्टर अनदर जैसे हमने सिक्स लिया तो सिक्स के बाद क्या आएगा सेवन आएगा थर्टी सेवन लिया है तो नेक्स्ट क्या आएगा थर्टी एट आएगा एंड सो लाइक दिस सो लेट्स एज्यूम लेट द फर्स्ट इंटीजर हमने फर्स्ट इंटीजर मान लिया बी एक्स फर्स्ट इंटीजर हमने मान लिया एक्स तो सेकेंड कितना होगा एक्स प्लस वन देन सेकेंड इंटीजर इक्वल्स टू एक्स प्लस वन बिकॉज कंजीक्यूटिव है उसके बाद वाला नंबर सेवन है तो एट Ten, next one निकालना है तो उसमें क्या करा हमने प्लस वन कर दिया अब प्रोडक्ट दे रखा है इनका अब प्रोडक्ट कितना दे रखा है हमें थ्री हंड्रेड एंड सिक्स दे रखा है अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स वन जा एक्स माइनस थ्री जीरो सिक्स इक्वल्स टू जीरो तो देखिए ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके तैयार हो गई रिप्रेजेंट हो गया हमने रिप्रेजेंटेशन कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना होना चाहिए टू होना चाहिए और वो हो रहा है तो इसे कंपेयर करो देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो फॉर्म में आ गए हमारे नाउ वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स अब हमें इंटीजर्स भी निकालना है तो हम मिडिल स्प्लिट क्लास नाइन के मेथड के अकॉर्डिंग हम इसको निकाल भी लेते हैं तो वी नीड टू नंबर्स हमें दो नंबर्स चाहिए कि प्लस करने पे आ जाए बी बी कितना है क्वेश्चन कितना है एक्स का वन तो वन और मल्टीप्लाई करने पे चाहिए हमें ए इंटू सी मीनस यहां वन है वन इंटू माइनस थ्री जीरो सिक्स और वो कितना आया माइनस थ्री जीरो सिक्स अब हमें थ्री जीरो सिक्स के फैक्टर्स लेने हैं और ऐसे लेने की प्लस करने पे आ जाए मल्टीप्लाई करने पे द कंडीशन फुलफिल हो जाए तो हम ले लेते हैं थ्री जीरो सिक्स के फैक्टर्स यहाँ पे ले लेते हैं थ्री जीरो सिक्स टू वन जा टू फाइव जा देन थ्री फाइव जी वन जा देन थ्री सो सेवेंटीन इज द प्राइम नंबर सो फैक्टर्स क्या है देखो आप टू थ्री जिक्स सिक्स एटीन एटीन एंड सेवनटीन नंबर आ गए हमारे को तो पी आ गया हमारा एटीन और क्यू आ गया हमारा सेवेंटीन अब देखिए एटीन में सेवनटीन गए माइनस uh, सेवनटीन लेना पड़ेगा एटीन में सेवेंटीन गए आ रहा है और एटीन इंटू माइनस सेवनटीन करेंगे तो माइनस थ्री जीरो सिक्स भी आ जाएगा तो हमारी मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई है तो इसके फैक्टर्स लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एटीन एक्स माइनस सेवनटीन एक्स माइनस थ्री जीरो सिक्स इक्वल्स टू जीरो अब हम पेयरिंग्स बनाएंगे ये दो ले लेते हैं और ये दो ले लेते हैं हम में इसमें क्या कॉमन आ रहा है एक्स x तो प्लस एटीन इसमें क्या कॉमन आ रहा है 17 का तो x x तो अब प्लस एटीन, निकल गया तो अंदर क्या बचेगा x माइनस सेवनटीन नाउ वी नो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जीरो है तो एनी वन इज जीरो एक्स प्लस एटीन इक्वस टू तो जीरो और X minus 17 equals to zero. तो क्या अब माइनस सेवनटीन इक्वल टू जीरो पॉजिटिव इंटीजर और यहाँ नेगेटिव आ रहा है तो इसको हम क्या करेंगे रिजेक्ट कर देंगे रिजेक्ट करेंगे इसको क्योंकि नेगेटिव आ रहा है और हमें क्या दे रखा था पॉजिटिव दे रखा था तो आंसर क्या सही होगा एक्स इक्वल टू सेवनटीन एक्स इक्वल टू सेवनटीन इज द फर्स्ट इंटीजर आ गया जैफो फर्स्ट इंटीजर लिख देंगे फर्स्ट इंटीजर हो गया हमारा एक्स सेवनटीन और सेकेंड इंटीजर क्या आ जाएगा उससे एक ज्यादा होता है, है और सेकेंड इंटीजर हो जाएगा x प्लस वन यानी सेवनटीन प्लस वन इक्वल टू कितना हो गया एटीन तो दो इंटीजर्स हमारे पास निकल के आ गए सेवनटीन एंड एटीन So I hope children that you understood both the questions. So thank you so much for watching the video.